हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नोबेल प्राइज़ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको उन नोबेल लॉरेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने नोबेल मेडल को ऑक्शन के थ्रू सोल्ड आउट कर दिया। इस डिटेल्स में जाने से पहले आइए हम आपको नोबेल मेडल में के बारे में कुछ और जानकारियाँ दे दें। 1980 तक जो नोबेल मेडल प्रोवाइड किया जाता था उसका जो वेट होता था वो 200 ग्राम्स में होता था और 23 कैरेट गोल्ड क्वालिटी में उसको ढाला जाता था। 66 mm का उसका डायमीटर हुआ करता था। 1980 के बाद इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया और 200 की जगह उसको 175 ग्राम्स में दिया जाने लगा और उसका जो गोल्ड क्वालिटी थी वो 23 कैरेट की जगह पे 18 कैरेट रिसाइकलिंग गोल्ड कर दिया गया। तब से लेकर के अब ये उसी साइज़ और शेप में दिया जाता है, लेकिन जो इकोनॉमिक साइंस की कैटेगरी में जो गोल्ड मेडल दिया जाता है उसका जो वेट होता है वो 185 ग्राम्स होता है, बाकी सबका 175 ग्राम्स होता है। ये जानकारी हमने आपको इसलिए दिया कि आपको एक रफ आइडिया लग जाए कि जो नोबेल मेडल लॉरेट्स को जो है कि अवार्ड किया जाता है उसकी क्या वैल्यूएशन होती है। अब आइए उस डिटेल में चलते हैं जिसका जिक्र हमने अपने वीडियो की शुरुआत में किया था। जब मैं इस डेटा को एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे 3 नाम मिले जिन्होंने अपने गोल्ड मेडल को, अपने नोबेल मेडल को सोल्ड आउट किया। सबसे पहले नंबर पे जेम्स वाटसन का नाम आता है। 1962 में इनको मेडिसिन की कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ मिली और इन्होंने अपने मेडल को सोल्ड आउट किया। ये एक लेबोरेटरी के चांसलर हुआ करते थे और उस लेबोरेटरी के चांसलर के पद से इनको हटाया गया। वो ब्लैक और वाइट का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंशिएशन को देखते हुए इनको वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया। बाद में उन्होंने उसी लेबोरेटरी के फंड रेजिंग के लिए अपने मेडल को सोल्ड आउट कर दिया। 4.1 US डॉलर में उन्होंने अपने मेडल को सोल्ड आउट किया। ये ऑक्शन मतलब नोबेल की हिस्ट्री में ये पहली ऑक्शनिंग थी जब किसी ने अपने मेडल को सोल्ड आउट किया। दूसरे नंबर पे मिस्टर लियोन का नाम आता है जो कि वो भी एक US सिटीजन थे। 1988 में उनको फिजिक्स की कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ अवार्ड की गई। उनकी कुछ कंडीशन ठीक नहीं थी, उनको अपना हॉस्पिटल का बिल पे करना था, इस वजह से उन्होंने अपने नोबेल मेडल को सोल्ड आउट कर दिया। उनको जो प्राइज़ मिली वो 7,65,000 US मिली। तीसरे नंबर पे मिस्टर दिमित्री का नाम आता है जिनको पीस प्राइज़ की कैटेगरी में 2021 में नोबेल प्राइज़ अवार्ड की गई। ये एक रशियन सिटीजन थे। यूक्रेनियन चिल्ड्रंस, जो रिफ्यूजी चिल्ड्रंस हैं, उनकी फ़ंड रेजिंग के लिए उन्होंने अपने मेडल को सोल्ड आउट किया और उनको कुल जो है 103.5 US डॉलर मिले अपने मेडल का, जो कि नोबेल हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट अमाउंट है। अब तक जो 3 लोगों ने किया सबसे हाईएस्ट प्राइस उनको मिला। तो दोस्तों, ये जानकारी आप अपने बच्चों के साथ और लोगों के साथ शेयर करिएगा। अगले एपिसोड में हम आपको कुछ और अच्छी जानकारियाँ लेके आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड लक एंड टेक केयर।